हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस। ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करते हैं। द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम कोई सिस्टम बना रहे होते हैं तो सिस्टम डिजाइनर हमें कुछ रूल्स बताता है, जिन रूल्स के ज़रिए हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। दीज कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ये रूल्स कुछ यूं होते हैं। पहला हमारे पास रूल है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कि जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी खसूसियात क्या क्या हैं। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, और जिस यूज़र के लिए हम ये डेटाबेस बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इन तीन रूल्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। क्राइटेरिया टू सेलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रायवल, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो बड़ी तेज़ी के साथ एक्सेस हो। हाई थ्रोपुट फॉर प्रोसेसिंग, कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आएं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि हम स्टोरेज को इस तरह से यूज़ करें कि उसमें जो स्पेस है वो ज़ाया ना हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलुअर और डाटा लॉस, कि अगर किसी वजह से हमारा डाटा लॉस होता है तो हम उसको रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज यूज़, कि हम कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करें जो हमें अनऑथराइज एक्सेस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स मौजूद हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टोरेज मीडिया इन द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर वन पे हमारे पास है सिक्वेंशियल फाइल्स। द रिकॉर्ड्स इन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर इन सीक्वेंस। इस मेथड के अंदर हम अपने तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को एक सीक्वेंस के साथ स्टोर करते हैं। अ सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड्स आर स्टोर वन आफ्टर अदर। सीक्वेंस से मुराद ये है कि सबसे पहले पहला रिकॉर्ड स्टोर होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, यानी कि एक के बाद एक आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव होता जाएगा। कुछ इस तरह से कि ये आपके फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक सीक्वेंस के साथ आप तमाम रिकॉर्ड को सेव करेंगे। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्राइव्ड ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे आर स्टोर्ड। इस मेथड के अंदर हम रिकॉर्ड्स को उसी सीक्वेंस के साथ एक्सेस कर सकते हैं जिस सीक्वेंस के अंदर हमने उसको स्टोर किया है। हम डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड को एक्सेस यहाँ पर नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल्स इज मैग्नेटिक टेप। इस मेथड के लिए जो हम स्टोरेज मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो है मैग्नेटिक टेप। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस इज दैट इट इज़ वेरी स्लो। इस मेथड का हमारे पास नुकसान ये है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। क्यों? इफ द लास्ट रिकॉर्ड इज टू रिट्राइव ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड। लेट्स सपोज आपने ये जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 5, ये आपने रीड करना है। तो इसको रीड करने से पहले आपको इन ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को भी रीड करना पड़ेगा। उसके बगैर आप रिकॉर्ड 5 को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सिक्वेंशियल फाइल मेथड के थ्रू। नंबर 2 पे हमारे पास है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। द रिकॉर्ड इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट स्टोर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इस मेथड के अंदर आपके रिकॉर्ड एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं होते। अ की वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इज यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड की हमारे पास एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू की मदद से हम उस रिकॉर्ड की लोकेशन को एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये स्टोरेज डिवाइस है और इसके अंदर ये आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखें तो किसी तरतीब के साथ नहीं है, रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 6, रिकॉर्ड 1, यानी कि तरतीब के बगैर यहाँ पर हमने रिकॉर्ड्स को सेव किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर जिस रिकॉर्ड को चाहें उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। Each record is accessed directly without going through the preceding records. किसी भी रिकॉर्ड को हम उसके पिछले रिकॉर्ड्स को रीड किए बगैर एक्सेस कर सकते हैं।
लेट्स सपोज मैंने यहाँ से रिकॉर्ड नंबर 3 एक्सेस करना है, तो मुझे इन पहले वाले रिकॉर्ड्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड 3 के एड्रेस की मदद से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन डिस्क। जब आप अपना डाटा डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स एक्सेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मच फास्टर दैन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ये मेथड सिक्वेंशियल फाइल की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसमें अगर आपने किसी खास रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो आप बड़ी तेज़ी के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट और नंबर 3 हमारे पास है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेव करते हैं। द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। अब ये ऑर्डर बेसिकली हम देते हैं उसको एक वैल्यू की मदद से जिसको हम की कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके अंदर यहाँ तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, या फिर हम इसको डिसेंडिंग यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को तरतीब देंगे। और हर रिकॉर्ड की कोई ना कोई की वैल्यू होगी। एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन इंडेक्स इन अ फाइल। इस मेथड के अंदर एक फाइल तैयार की जाती है जिसको हम इंडेक्स फाइल कहते हैं, कुछ इस तरह से। इसके अंदर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स और उनका इंडेक्स नंबर बताया गया होता है। अगर आप यहाँ पर देखें रिकॉर्ड 7 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 1, रिकॉर्ड 6 का 2, रिकॉर्ड 5 का 3। तो हमने बेसिकली हर रिकॉर्ड को एक इंडेक्स नंबर असाइन किया है और इस फाइल को आप कहते हैं इंडेक्स फाइल। द रिकॉर्ड्स इन इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एक्सेस इन सिक्वेंशियल एक्सेस एज वेल एज रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। इस मेथड के अंदर हम अपने डेटा को सिक्वेंशियल और रैंडम दोनों मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेथड इज स्लोअर देन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन बट फास्टर देन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड से स्लो होता है, लेकिन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड से ये फास्ट होता है। सो आज हमने बात की फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स के बारे में। इसमें हमने देखा सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।